अल्लाह पर भरोसा टॉपिक की तकरीर करने के लिए आवाज देता हूँ। वाए अल्लाह ताला पर भरोसा तकरीर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मोहतरम सदर मोहतरम सामिने किराम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उनवान है अल्लाह पर भरोसा। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला उसके मदद के लिए काफी है। एक दफा का वाकया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से कहीं दूर के सफर में थे। सख्त गर्मी का जमाना था, दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए एक दरख्त के साए में एक जगह लेट गए। आग लग गई, एक काफिर छुपचाप आया, तलवार खींच कर आपके करीब खड़ा हो गया। हमला करने ही वाला था कि एकदम से हमारी हजरत की आँख खुल गई। देखा कि एक दुश्मन नंगी तलवार खींचे खड़ा है। वो दुश्मन बड़ा खुश था, बड़ा खूब मौके से तनाई में मिल गया है। न उनके हाथ में कोई हथियार है और न उनका कोई साथी और न उनका कोई मददगार है। बड़े घमंड से काफिर ने कहा, बताओ मोहम्मद, अब तुम्हारी जान कौन बचा सकता है। काफिर तो अल्लाह को मानता ना था, थर थर कांपने लगा और गुसामत शुरू कर दी। हमारे हजरत तो बड़े मेहरबान रहम दिल थे, दुश्मन के साथ भी एहसान करते थे, इसलिए उसको माफ फरमा कर छोड़ दिया। ये थे आदिल साजिद जो बता रहे थे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों पर भी रहम खाया करते थे। जो शख्स अल्लाह के रसूल के ऊपर तलवार खींचे खड़ा था थोड़ी देर पहले, अगर वो तलवार अल्लाह के रसूल के हाथ में आ गई तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? उसे माफ फरमा दिया, उस पर रहम छोड़ दिया, उसे उस पे सिला रहमी किया। चाहते हैं तो हम लोग जैसे अभी जो मौजूदा वक्त में हैं, हम अपना बदला लेने से नहीं चूकते, पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सेवा है कि वो दुश्मनों के साथ भी रहमदिली से काम लेते थे, उसे माफ कर देते थे, छोड़ देते थे। आज हमारे बीच में दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाए तो हम उनसे बढ़ चढ़ कर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। दुश्मन की तो बात अलग है। हमें चाहिए कि हमें सिला रहमी करना चाहिए एक दूसरे के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ। हमें नरमी से पेश आना चाहिए, ना कि सख्ती से। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेवा था जो आदिल साजिद ने आपको बताया।